नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चैलेंजर रेसिडी में। दोस्तों, मैं आज आपको सेफ्टी से पार्ट नंबर 3 करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारे सेफ्टी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे लगभग लगभग ख़त्म हो गए, और आज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इनमें से क्या हस्तपुष्पिका में सन्निहित नहीं है? आधारभूत जानकारियाँ हैं, दिशात्मक विवरण है, समान दोष, कारखाना कानून। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, कारखाना कानून जो होता है हस्तपुष्पिका में सन्निहित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए NO2 CO3 प्लस Al2SO4, ऑप्शन नंबर बी है Al2SO4 होल ट्राइस प्लस NaHO3, सी है NaOH प्लस HCl, डी है Al2SO4 प्लस HCl। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही है दोस्तों, Al2SO4 होल ट्राइस प्लस NaHO3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम, CPR में पी का। मैंने दोस्तों पहले ही बताया था आपको कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से जान लो। इसका फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन। तो इसमें पी का अर्थ पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा पल्मोनरी, ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेवन एक्शन प्लान में अंत डी का। तो दोस्तों मैंने सेवन एक्शन प्लान के मैं बताया था कि इसके सेवन टाइप्स होते हैं, इसीलिए सेवन एक्शन प्लान बोला जाता है। इसका एक सॉल्ट ट्रिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, DRAS ABCD, ए बी सी और डी। जिसमें डी का डेंजर होता है, आर का रिस्पांस, एस का सेंड फॉर हेल्प, ए से एयरबेज, बी से ब्रीथिंग, सी से CPR और डी से डिफिब्रिलेशन होता है। तो इसमें अंतिम डी का अर्थ पूछा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी डिफिब्रिलेशन जो होता है ये सही है। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, CPR का अनुपात। दोस्तों मैंने CPR का अनुपात पहले बताया था 30:2, जो CPR किया जाता है हमारा 2 मिनट में 30 बार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, BLS में बी का अर्थ, मैंने इसका भी फुल नेम बताया था, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें बी का अर्थ पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। फिर एक क्वेश्चन रिपीटेड है 7 नंबर, किस देश ने 5S प्रणाली विकसित किया था? तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है सबको पता है, जापान जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 5S में एक और एस जोड़ा गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि 5S जो हमारा था 5 टाइप्स का था, लेकिन इसमें एक एस और जोड़ दिया गया है, जो वो है सेफ्टी, सेफ्टी को जोड़ दिया गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ग बी में बी क्लास की आग से लगी आग होती है, कौन सी आग होती है? दोस्तों पता है ऑयल फायर जो होती है वो बी क्लास की आग होती है, मतलब तरल पदार्थ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है पीपी से एफिरा, इसका फुल फॉर्म सबको पता है, फुल नेम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? दोस्तों सकारात्मक होना चाहिए, हाँ ठीक है, अच्छा संपर्क कौशल, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही है। फिर है सुरक्षा चिन्ह है, सुरक्षा चिन्ह प्राथमिक बिंदु, संकेत, दुर्घटना से बचने के संकेत, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है ए है सुरक्षा चिन्ह, जो हमारे जो सेफ्टी साइन होते हैं, दुर्घटना के बचने के ही साइन होते हैं, संकेत होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, किस एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर पीले रंग का हाथ होता है? दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि कौन से एक्सटिंग्विशर पे किस रंग का हाथ होता है, तो इसमें पूछा है पीले रंग का हाथ तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी पे होता है। ठीक है, फोम पूछे तो भूरे रंग का। फिर है 14 नंबर, ये चिन्ह वर्गाकार होते हैं, इसमें हरे बैकग्राउंड और साइन जो होता है सफ़ेद कलर का होता है। तो मैंने बताया था जो इन्फॉर्मेशन साइन होता है, इसका जो चित्र होता है, हमारा जो चिन्ह होता है वर्गाकार में होता है, इसका जो बैकग्राउंड होता है ग्रीन कलर का होता है, और इसकी जो साइन बने होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन साइन, ऑप्शन नंबर ए सूचना चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, तो कोई दुर्घटना होती है बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल न की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये होगी अवांछनीय घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, बिना दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत
नहीं, दुर्घटना के स्थिति में होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ी गलती है दोस्तों, ठीक है। दुर्घटना के स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत देना चाहिए क्या? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करें, इनमें से कोई नहीं, दोस्तों सहायता प्रदान करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम सांस देने की विधि है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1, 2 और सी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो कृत्रिम सांस होती है दोस्तों, ये भी हमारा फर्स्ट एड के BLS में जो हमारे 7 एक्शन प्लान होते हैं, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन सी हमारा CPR जो होता है नंबर 6 पे होता है। इसमें जो हम सांस देते हैं दो प्रकार की देते हैं, पहली जो CPR किया जाता है, एक सीने पीठ के बल लटा के सीने के ऊपर हथेली से, दोनों हाथों से हथेली से दोस्तों 2 मिनट में 30 बार दिया जाता है, और दूसरा जो होता है सीने के बल लटा के पीठ पे पंप किया जाता है। तो हमारी इसका जो राइट हमारा जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, किस श्रेणी की आग को बुझाने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं? Class C, Class B, Class A, Class B। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, CTC या हेलोइन का हम इलेक्ट्रिक फायर को के लिए यूज करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक फायर लगी हो वहाँ पे हम हेलोइन गैस का या CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो ये आग हमारी Class D में आती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, पेंट के कारण लगी आग हो तो कहलाएगी? दोस्तों मैंने बताया था जो आयली होती है तरल पदार्थ की आग होती है, B क्लास की आग होती है, और पेंट भी हमारा जो होता है आयली तरह होता है, तरल पदार्थ की तरह होता है, तो तेली आग ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश डैश प्रयोग करते हैं, ठीक है, ओवरऑल्स, ग्लव्स हैं हमारे, एप्रन है, ऑल ऑफ दीज है, तो ये सारी चीज़ें हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी इस चैनल को ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।